हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कर्णवाश्रम के बारे में। कर्णवाश्रम उत्तराखंड में स्थित एक धार्मिक स्थान है। गढ़वाल जनपद में कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रेणी के पाद प्रदेश में हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद में स्थित कर्णवाश्रम ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। माना जाता है कि यह कर्ण ऋषि का आश्रम था। दूसरी ओर कर्णवाश्रम को रोहिलखंड का भाग भी माना जाता है। कोटद्वार भाबर क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में कर्णवाश्रम सर्व प्रमुख है, जिसका पुराणों में विस्तृत उल्लेख मिलता है। हजारों वर्ष पूर्व पौराणिक युग में जिस मालिनी नदी का उल्लेख मिलता है, वह आज भी उसी नाम से पुकारी जाती है तथा भाबर के बहुत बड़े क्षेत्र को सिंचित करती है। कर्णवाश्रम शिवालिक की तलहटी में मालिनी के दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रमों का प्रख्यात विद्यापीठ है। यहाँ की जो आपको ये व्यू मिलता है, यहाँ का व्यू जो आपको दिखता है, बहुत ही प्यारा व्यू है और जो कि आज की डेट में एक पर्यटन स्थल भी बन चुका है और वहाँ पे आपको बहुत सारे रिसोर्ट्स भी मिलेंगे। तो अगर आप लोगों का भी टाइम मिलता है तो आप कभी यहाँ पे घूमने आएँ, अपना टाइम बिताएँ, अपने परिवार के साथ आएँ और आप लोगों को यहाँ आके बहुत ही सुकून मिलेगा। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। और अगर आप दिल्ली से अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आपको मेरठ बिजनौर होते हुए, आपको कोटद्वार होते हुए आपको कर्णवाश्रम आना होगा। और अगर मैं इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताऊंगा तो मुझे उसके लिए एक नया वीडियो शूट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं हमारी नई वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।